नमस्कार, खबर शेयर डॉट कॉम से मैं राजेश शाह। दर्शक मित्रों, आज हम श्रृंगार रस की बात करने वाले हैं जो महिलाओं को बहुत ही प्रिय है। आज हमारे साथ में मेकअप आर्टिस्ट है सूरत के, जिनका नाम है सीमा लोढ़ा जी, जो 18 सालों का एक्सपीरियंस है उनको मेकअप का, और स्टेट लेवल नेशनल लेवल के उन्होंने अवार्ड जीते हैं और 700 से ज़्यादा लड़कियाँ उन्होंने ट्रेन की है। तो सीमा जी, हमको मेकअप के बारे में कैसा सजना संवरना है उनके बारे में बहुत सारी डिटेल बताएगी। सीमा जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि जब महिला इतनी सुंदर दिखती ही है तो उनको मेकअप की ज़रूरत क्यों होती है? इस संसार में जब से महिला का आगमन हुआ है तब से उसे सौंदर्य का भाव विरासत में मिला है। महिला और मेकअप एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो महिला के जो सौंदर्यता है उसकी वैल्यू और ऐड करने के लिए वो मेकअप का इस्तेमाल करती हैं, इसलिए मेकअप ज़रूरी है। सीमा, अभी नवरात्र का सीजन शुरू होगा और नवरात्र महिला युवती सबका प्रिय उत्सव है, और पर्टिकुलरली सूरत में तो 10 दिन बहुत अच्छी तरह से लोग खेलते हैं, तो नवरात्रि के लिए कोई स्पेशल मेकअप करने की ज़रूरत होती है क्या? यस, नवरात्रि के अंदर एकदम सटल और मतलब ज़्यादा देर तक टिक सके वैसा मेकअप करना होता है, तो हमें पूरा वाटरप्रूफ मेकअप होता है, वो तो कंपलसरी होता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेयर नहीं करनी चाहिए, एक सटल लुक आना चाहिए और ग्लोसी मेकअप होना चाहिए। कभी भी नवरात्रि के अंदर मैट मेकअप नहीं होना चाहिए, तो वो हमारी ब्यूटी को और ज़्यादा दबा देता है, इसलिए हमें ग्लोसी मेकअप का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा सीमा, मुझे ये भी पूछना है कि क्या हर दिन यानी 10 दिन तक नवरात्र चलता है तो हर दिन अलग अलग मेकअप हो सकता है? यस, 9 के 9 दिन अलग अलग मेकअप हो सकता है। वो हमारे ड्रेस, जो भी हमारा ड्रेसिंग पहना हुआ है उसके हिसाब से हम मेकअप को चूज़ करते हैं, तो वो सारी क्रिएटिविटी हम अपनी आइज़ पे कर सकते हैं, अपने फेस के शेप को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, जिसे हम करेक्टिव मेकअप करते हैं बोलते हैं, और उसके लिए आप कोई सलोन में जा सकते हैं या खुद को आता है तो खुद से भी कर सकते हैं। सीमा, देखो आज वर्किंग वुमन यानी वुमन एम्पावरमेंट का जब से रूप चला है तब से वर्किंग वुमन बहुत ज़्यादा काम करने लगी है, तो वर्किंग वुमन के लिए कोई ऐसा मेकअप होता है जो उनको अच्छा लगे? यस, वर्किंग वुमन के लिए आज मैंने खुद मेरा भी एक सलोन है, तो मैं कितने ही सालों से ये क्लास ले रही हूँ, जिसमें एक मेरा सेल्फ ग्रूमिंग क्लास है उसमें काफ़ी सारे मेकअप्स मैं सिखाती हूँ, बट जो एक मेरा मेकअप है वो स्पेशली वर्किंग वुमेंस के लिए है, जिसे हम बोलते हैं एवरीडे मेकअप, जो हम रोज़ कर सकते हैं, और उस रोज करने वाले मेकअप में ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा फेस ख़राब भी ना हो। तो वो हमारा होता है एक 3 मिनट्स मेकअप, जिसमें हर एक वुमेंस अपने आप को बहुत प्रेजेंटेबल करके फिर वो अपने ऑफिस या कहीं पर भी जा सकती हैं। अच्छा सीमा, जैसे फूड में होता है, चाइनीज फूड होता है, पंजाबी फूड होता है, गुजराती फूड होता है, तो क्या मेकअप में ऐसा होता है कि इंडियन फूड, चाइनीज़ फूड, रशियन मेकअप, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हर रशियन मेकअप अलग, इंडियन मेकअप अलग, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्ट्स सेम ही होते हैं, लेकिन हर एक आर्टिस्ट जो होता है, जो अपनी आर्ट दिखाता है, तो वो उसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। सीमा, बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है कि ये जो मेकअप होता है ना वो रिच लोगों के ही होता है, यानी जो पैसे वाले हैं, धनाढ्य, उन वो ही कर सकते हैं, तो क्या ऐसा है कि कोई छोटे लोग भी मेकअप कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ रिच लोग ही मेकअप कर सकते हैं, ये कोई क्लास की बात नहीं है, ये अपनी विषय, अपना चॉइस की बात है, जिसको अगर पसंद है तो उसमें कोई क्लास नहीं आता है। तो उसके बाद में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे प्रोडक्ट्स हो तो ही अच्छा मेकअप हो सकता है। काफ़ी बार क्या होता है कि कितनी फेमस ब्रांड्स हैं लेकिन उनका नाम कम है, लेकिन प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो हम प्रोडक्ट्स का कमाल होता है। दूसरा, हमारा पॉकेट जितना बोलता है हम उतने ही प्रोडक्ट्स लेने चाहिए हमें, और आपको लगता है कि हमें कम प्रोडक्ट्स में कैसे मेकअप करना है, तो उसके लिए आप बहुत सारे अपने शहर में काफ़ी सारे सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस चलते हैं, मेकअप क्लास चलते हैं छोटे छोटे, जो आप कर सकते हैं, तो उससे आप खुद को एटलीस्ट अपने आप को स्मार्ट रख सकते हैं, हर जगह पे प्रेजेंटेबल रख सकते हैं, तो उसमें आपका पैसा भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा, और खुद को हर जगह हम अच्छा दिखने का आपका जो इंटरेस्ट है वो भी उसको फुलफिल कर पाओगे।
प्रतिमा, अभी लग्नसरा की सीजन भी आएगी तो ब्राइड का जो मेकअप होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा दिखने को मिलता है, और उनके रिलेटिव्स है वो भी मेकअप करते हैं, तो ब्राइड का और रिलेटिव्स का क्या मेकअप में डिफरेंस रहता है? एक्चुअली बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि जो हमारी ब्राइड होती हैं वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, तो उस पर काफ़ी अच्छी बारीकी से उसको मेकअप किया जाता है, हर चीज़ उसको उसके जैसे, हर ब्राइड ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुंदर हो या उसके फीचर्स बहुत अच्छे शार्पन हो, तो हमें वो शार्प करके और उसको एक अच्छा एक लुक देने के लिए हम काफ़ी उस पर मेहनत की जाती है। तो ब्राइड्स का मेकअप टोटली अलग होता है, क्योंकि उसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दिखना होता है, और जो हमारे साइडर्स जो होते हैं उनके कपड़े गहने, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उस तरह से आजकल मेकअप भी वेयर होता है। अच्छा सीमा, मेकअप के अलावा अगर किसी को खूबसूरत दिखना है तो वो क्या कर सकते हैं? मेकअप के अलावा भी खूबसूरत दिखना है तो सबसे पहले, ज़रूरी नहीं है कि हम हर समय मेकअप करें तो ही खूबसूरत दिखें, तो मेकअप के अलावा भी अगर खूबसूरत दिखना है तो आपको अपने समय समय पर अपने आईब्रोज, अपर लिप्स, मतलब जो भी, या हम फेशियल, जो हमारे डेली ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे हम खाना रोज खाते हैं उसी तरह से महीने में एक बार अपने ऊपर थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए और अपने आप की क्लीनिंग करनी चाहिए। और जो दूसरी बात है वो है हमारी इंटरनल ब्यूटी, तो उसमें हमारा फूड जो है वो उस पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो नेचुरल ब्यूटी जो हमारी होती है वो अंदर से ही आती है, तो मेकअप तो सिर्फ उसको एक अच्छा, एक एनहांस करने का, अपने आप को अच्छा दिखाने का एक दूसरा एक ज़रिया है, लेकिन सचमुच में तो हम जो नेचुरल अच्छे दिखते हैं वही हमारी ब्यूटी है। सीमा, आजकल बहुत एक वर्ड सुनने को मिलता है CTM, तो ये व्हाट इज CTM? CTM का मतलब होता है, सी मतलब क्लिंजर, जो हमारे पोर्स को ओपन करता है और अंदर से सारी डर्ट को बाहर निकालता है। टी मतलब टोनर, जो हमारे पोर्स को वापस से मिनिमाइज करता है और हमारी स्किन में एक टाइटनिंग इफेक्ट देता है और ऑयल को कंट्रोल करता है। और मॉइस्चर मतलब जो हमारी स्किन का pH बैलेंस जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। तो मैं तो कहती हूँ कि हर एक फीमेल्स को अपना CTM हमेशा करना ही चाहिए, अगर उनको खुद से प्यार है तो, क्योंकि CTM हमारे स्किन को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा सीमा, मुझे एक लास्ट आपको पूछना है कि जैसे अलग अलग स्किन होती है, सपोज मेरी वाइट है, किसी की ब्लैक है, किसी की गहू वर्ण स्किन है, तो क्या स्किन के हिसाब से मेकअप में फेरफार होता है? स्किन, सबकी स्किन अलग अलग होती है, तो स्किन टाइप के अनुसार ही हमारा मेकअप होना चाहिए। तो स्किन टाइप्स और कलर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा स्किन वाइट है और हमने दूसरा कलर यूज़ कर लिया तो उसके स्किन में मैच नहीं हो पाएगा, इसलिए हमेशा हमारी स्किन देख के, टाइप देख के ही मेकअप यूज़ करना चाहिए। और अगर ये प्रोडक्ट्स का नॉलेज ना हो तो इसके लिए मैंने कहा था आपको कि आप सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स कीजिए, जिसमें आपको सारा प्रोडक्ट्स नॉलेज भी मिलता है और अपने लिए कम प्रोडक्ट्स में अच्छा मेकअप कैसे कर सकते हैं वो भी आपको एक वहाँ से पता चलता है। तो आपको बार बार ऐसे खर्चे फालतू करने की, सलोन जाने की और अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दर्शक मित्रों, आपने सीमा लोढ़ा जी को सुना, उन्होंने मेकअप की बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी दी। अभी त्यौहार आ रहे हैं तो हम आशा रखते हैं आप अच्छी तरह से संवर के जाए और अच्छा प्रेजेंटेबल अपने आपको कहीं पे रखें। सीमा लोढ़ा जी, थैंक यू वेरी मच, khabarche.com पर आपने बात की। थैंक यू सर। ब्यूटी हैज़ सो मेनी फॉर्म्स, बट आई थिंक द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज़ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी। सो हमेशा हमारी ब्यूटी जो है हमारी पॉजिटिविटी में है, हम अंदर से खूबसूरत बने तो बाहर से अपने आप ही हम बहुत अच्छा दिखेंगे। थैंक यू सो मच।